जटिंगा असम से स्थित एक बहुत ही सुंदर छोटी सी वैली है। यह वैली जितनी सुंदर है इसका रहस्य भी उतना ही गहरा है। इस स्थान का रहस्य यह है कि यहाँ हर साल बहुत से पक्षी रहस्यमय तरीके से समूह में आत्महत्या करते हैं, और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पक्षी सितंबर अक्टूबर के महीनों में शाम के 7 बजे से 10 बजे के बीच ही आत्महत्या करते हैं। और यहाँ केवल एक पक्षी या एक ही प्रजाति के पक्षी नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के पक्षी समूह में आत्महत्या करते हैं। इन सब कारणों के पीछे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जबकि गांव वाले इसे भूत प्रेतों से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का असल कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। दक्षिणी असम के दिमाहासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतंगा एक ऐसा गाँव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है, लेकिन सितंबर माह की शुरुआत से ही यह गांव खबरों की सुर्खियों बन जाता है। इसका कारण है यहां होने वाली पक्षियों की सुसाइड की रहस्यमय घटना। नाइट एंट्री है बैन। दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहां पक्षी हराकिरी का अजीबोगरीब वाकया होता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10-10:30 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की खैर नहीं, उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लगते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहा जाता है कि यहां बाहरी अप्रवासी पक्षी जाने के बाद वापस नहीं आते। इस वैली में रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। जातिंगा दरअसल असम के बोरन हिल्स में स्थित है, जहाँ काफी बरसात होती है और बेहद ऊंचाई पर होने व पहाड़ों से घिरे होने के कारण बादलों और बेहद गहरी धुंध का यहाँ जमावड़ा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरी घाटी में बसे होने के कारण जातिंगा में तेज बारिश के दौरान जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ बांस के बेहद घने और कटीले जंगल हैं, ऐसे में गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जहां तक तय समय की बात है तो पक्षी शाम के इस समय अपने घरों को लौटने की कोशिश करते हैं, ऐसे में इस वक्त दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। जानवर खुदकुशी नहीं करते। इटली की कैग्लियारी यूनिवर्सिटी के एंटोनियो प्रेती कहते हैं कि जानवर से खुदकुशी करने का ख्याल ही गलत है। उन्होंने पिछले 40 सालों में इस बारे में छपे करीब 1000 रिसर्च को खंगाला। प्रीति अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जानवर जानबूझकर जान नहीं देते। ध्रुवों पर पाए जाने वाले चूहों जैसे जानवर लेमिंग्स एक साथ झुंड में जाकर खाई में गिर जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो गलती से गिर जाते हैं। जनसंख्या का इतना दबाव होता है कि लेमिंग्स हजारों की तादाद में एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी सफर के दौरान उनमें से बहुतों की मौत हो जाती है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट बाबरा किंग कहती हैं कि अभी हम जानवरों के दिमाग को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। कैसे जाए? गुवाहाटी से जतंगा 330 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी से हाफलोंग के लिए बस और ट्रेन सेवा है। यहां ठहरकर आप ये दृश्य खुद देख सकते हैं। कैसे जाए? गुवाहाटी से जतंगा 330 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी से हाफलोंग के लिए बस और ट्रेन सेवा है। यहाँ ठहर कर आप ये दृश्य खुद देख सकते हैं।